أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله رواه الإمام أحمد محترم هجرات أرخواتين إسلام खैरन्नास इस सिलसिले का एक और लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ हमने अब तक प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की ज़बानी इस बशारत को पाने वाले ख़ुशनसीब लोगों में से बहुत सारे लोगों का तस्करा किया आज हम आपके सामने ऐसे ही खुशनसीब लोगों में से एक और किस्म के लोगों का तस्करा करने जा रहे हैं ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इनको देखते हैं तो देखने वाले को अल्लाह तबार को की याद आती है नबी अली सलाम से हजरत असम बिन त्यजीद रदी अल्लाह तह रवायत फ़रमाती हैं अहमद की रिवायत है नबी सलामाम ने बयान फरमाया कहा बंदों में अल्लाह के बंदों में, में सबसे अच्छे लोग खिया इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों में से सबसे अच्छे लोग वो लोग हैं इदा के जब उनको कोई देखता है जब उनको देखा जाए जिक्र अल्लाह अल्ला तबारा का जिक्र हो अल्लाह तला का तरकरा हो इस हदीस का मतलब ये है कि समाज के बेहतर लोगों में से वो लोग हैं कि जिनको देख कर आदमी के दिल में अल्लाह तबारक की याद ताज़ा हो जाए अल्लाह तला से लौ लगाने का शौक बढ़ जाए अल्लाह तला के तरफ पलटने का इरादा उसका हो जाए ये जो बात है ये हमारी और आपकी ज़िंदगी की एक बड़ी ही अहम हकीकत है जिसे हम और आप महसूस भी किया करते हैं समाज में हमारे पास लोग बहुत सारे हैं किसी को देखते हैं तो किसी ना किसी चीज की याद आती है बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर आदमी पनाह मांगता है बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर आदमी निगाहें चुरा लेता है बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर आदमी छुप जाता है क्यों इसलिए कि उन लोगों से खैर की कोई उम्मीद नहीं है या शर का कोई डर है कोई अंदेशा है इस वजह से आदमी उनसे नजरें चुराता है बचना चाहता है लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते कुछ अल्लाह के बंदे और बंदियां ऐसी भी होती हैं कि उनको देख कर अल्लाह तबारक की याद ताज़ा होती है यानी मतलब ये कि अल्लाह तबारक से जुड़ने का शौक पैदा होता है अल्लाह ताली की इबादत करने का शौक पैदा होता है वो नमाजी जिस नमाजी को देख कर आपके दिल में नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो वो ये वो बंदा है ये वो अच्छा बंदा है जिसे देख कर अल्लाह तला की याद आ रही है आप एक आदमी को देखते हैं कि वह तकवे वाली जिंदगी गुजार रहा है ये खातून को देखते हैं कि वह तकवे वाली जिंदगी गुजार रही है और उसे देखकर आपकी जिंदगी में ये ख्याल पैदा होता है मुझे भी अल्लाह ताला से डर वाली ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए ये समाज के सबसे अच्छे लोग हैं ये समाज का सबसे अच्छा तबका है कि जिनको देख अल्लाह तबारक की याद आती हो हम और आप अपनी जिंदगी में इस हकीकत को याद रखें कि इस्लाम ने हम और आपको यह कहा है कि मोमिन आपस में एक दूसरे के वली हैं एक दूसरे के दोस्त हैं एक दूसरे के करीबी हैं हमें नेकी के मामले में एक दूसरे से मदद मिलनी चाहिए जो आदमी जिस आदमी को देखकर आदमी दीन से फिरने की तरफ माइल हो ऐसे लोग समाज के अच्छे लोग नहीं होते आप जानते हैं कितने ऐसे हैं जो खेल के मैदान के नाम हैं कितने ऐसे हैं जो एक्टिंग की दुनिया के नाम हैं कितने ऐसे हैं जो तिजारत की दुनिया के नाम हैं कितने ऐसे हैं जो सियासत की दुनिया के नाम हैं कितने ऐसे हैं जो समाज में किसी भी हैसियत से पहचानते हैं वो आइडियल बन जाते हैं और लोग जब उनके पीछे चलने लगते हैं तो अल्लाह ताला से कट जाते हैं अल्लाह ताला से दूर होते हैं ऐसे लोग समाज के अच्छे लोग नहीं हैं समाज के अच्छे लोग वो हैं कि जिनको देखकर चाहे वो किसी भी मैदान में हो वो दीन की खिदमत के किसी भी मैदान में हो वो दुनिया की खिदमत के किसी भी मैदान में हो जिनको देख कर जिनकी खिदमत को देख कर बंदे के दिल में अल्लाह से जुड़ने अल्लाह ताली की बंदगी करने का जज्बा पैदा हो ऐसे लोग समाज के अच्छे लोग हैं आप ये बात याद रखें जिनको देख कर अल्लाह ताली की याद आए से मुराद सिर्फ दीन पर अमल करने वाले लोग ही नहीं जिनको देख कर अमल जिनको देख कर अल्लाह की याद आए से मुराद सिर्फ नमाज रोजे वाले ही नहीं समाजी खिदमत करने वाले बहुत सारे वो लोग जिनको समाजी खदमत गुजार कहा जाता है लेकिन उनको देखकर अगर आपके दिल में अल्लाह की याद ताज़ा होती है कि अल्लाह ताला ने इन्हें कैसे कैसे खिदमत पे मामूर किया है कैसे कमजोरों के ये मददगार बनते हैं वो भी समाज के बड़े अच्छे लोग हैं नबी अलीसम ने कहा खैर इबादल अल्लाह के बंदों में से सबसे अच्छे लोग वो हैं कि जिनको देखकर अल्लाह ताला की याद ताज़ा होना होनी चाहिए आप अपने समाज पे नजर दौड़ाएं समाज में ऐसे कितने चेहरे हैं और रोशन चेहरे हैं उनका जाहिर जितना रोशन है उनका बातिन उससे कहीं ज्यादा रोशन है वो इतने अच्छे लोग हैं कि आदमी उनको देखता है तो बेसाख्त अपना दिल उनकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता है और उनकी तरफ देखता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला से तौ लगाने मोहब्बत करने अल्लाह के करीब हो जाने का जज्बा बढ़ता है आदमी उसको देखता है तो कहता है कि मुझे भी इसके जैसा बनना है मुझे भी इसके जैसा बनना चाहिए ये वो लोग हैं जिनको नबी अलीसलाम ने इस हदीस मुबारक के अंदर समाज के सबसे बेहतर लोग कहा है। समाज में ऐसे लोगों की कसरत होनी चाहिए कि जिनको देखकर बकिया समाज अल्लाह ताला से जुड़ने की फिक्र करे हमारे समाज में आइडियलिज्म का एक मिजाज हम जो शख्सियत परस्ती का एक मिजाज पालते हैं और हमारी नजर में इंसानी कमालात में से कोई भी कमाल रखने वाला आइडियल होता है मिसाली शख्सियत की हैसियत इख्तियार कर जाता है इस्लामी शरीयत कहती है मिसाल तो वो लोग हैं कि जिनको देखकर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद याद आए जिनको देखकर तुम्हें अपने रब से जुड़ने का ख्याल पैदा हो जिनको देखकर अल्लाह ताला का डर तुम्हारे दिल में पैदा हो जिनको देखकर अल्लाह कर व तआला की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बढ़े जिनको देख कर अल्लाह से दूरी तुम पर खुद खलने लगे कहो मैं क्यों ऐसा नहीं बन सकता मैं क्यों इस बंदे की तरह अल्लाह का वाकई बंदा नहीं बन सकता ये है आइडियल ये है मिसाल खियार इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों में से सबसे अच्छे लोग हैं नबी अली सलाम ने यह बात बयान फरमाई बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरा लफ्ज इसी ताबीर के लिए आया है नबी अली सलाम ने फरमाया इदा अल्लाह के वली हैं वो लोग जिनको देख कर अल्लाह तबारक की याद आती हो सुबहान अल्लाह हमने अलिया का मतलब समझा है कि वो बुजुर्ग जो नेक थे या जिनकी शोहरत थी और इंतकाल कर गए और आज अलिया के नाम पे खबरों में हम तलाश करते हैं नबी तो सलाम कहते हैं अल्लाह ताला के वली वो भी हैं या वो हैं जिनको देखकर अल्लाह तबारको तला की याद ताजा होती है समाज में ऐसी जिंदा मिसालों को तलाश करें जो लोग अल्लाह तला की याद दिलाने वाले अल्लाह तद ताजा करवाने वाले सुबह अल्लाह आप यकीन रखें हमारे और आपके दिल में अगर नेकी की मोहब्बत होगी नेकी से लगाव होगा उन होगा हमें नेकी से उल्फत और मोहब्बत अगर होगी तो फिर हमारी निगाहें तलाश करेगी ऐसे लोगों को जो लोग वाकई मानों में अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छे बंदे हैं और यकीन करे जब दिल में मोहब्बत हो और आंखें तलाश करने में लग जाए तो आपको अपने समाज के अंदर दसियों मिसालें ऐसी मिलेंगी ये उम्मत खैर से कभी काली नहीं हो सकती बिगाड़ के इंतहाई गए गुजरे जमाने में भी नेकी की अलामत खैर की अलामत बनकर जीने वाले ऐसे लोग बाकी रहेंगे ऐसे लोगों के वजूद को गनीमत हम और आपको समझना चाहिए और उनसे इंस्पायर होना चाहिए उनसे हम और आपको मुतासर होना चाहिए और उनसे हम और आपको सबक सीखना चाहिए इसलिए कि ये समाज के सबसे अच्छे लोग हैं आइडियलिज्म की जो बात मैंने कही कि उनके नक्शे कदम पर चलने की उन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए ये वो लोग हैं जिनको नबी अलीसलाम ने खियार और इबादल का बंदों में सबसे अच्छा कहा है मैं ये बात भी आपके सामने बताना चाहता हूं आज हम और आप दावत तबलीग के मौजू पे बहुत कुछ लिखते बोलते हैं पढ़ते पढ़ाते समझते समझाते हैं। याद रखो ऐसे लोग जो इस्लामी तालीमत का पैकर बनकर दुनिया के अंदर जीते हो, कि जिनको देखकर ये बिगड़ा इंसान भी अल्लाह ताला को याद करने पे मजबूर हो जाए ऐसे लोगों का वजूद भी ये दावत इस्लामी या इस्लाम की दावत का एक पहलू है ये भी इस्लाम की दावत है कि समाज के अंदर ऐसे लोग नजर आए चलते फिरते ऐसे लोग नजर आए जिनको हम कहें अल्लाह ताला की बंदगी की तस्वीर है इस्लामी तालीमत की तस्वीर है जिनको देखकर हम और आप कहें देखो अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं यह भी दावत और तबलीग का एक अहम जरिया अल्लाह तबार को यह बात बयान फरमाइना कहा वनसन मम आमिला कौल इ मुसलमिन उस आदमी से अच्छी किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए अमल साले करे और कहे मैं मुसलमान हूं अपने आप को नमूने के तौर पे पेश करे हाजी ने गिरामी इस माने में अगर हम देखना चाहें एक मुसलमान का गैर मुस्लिम के सामने वजूद अल्लाह ताला की याद दिलाने वाला होना चाहिए बुत परस्तों को मालूम होना चाहिए कि एक अल्लाह ताला की इबादत करने वाले मुवाहिद बंदे हैं दुनियादारों को मालूम होना चाहिए अल्लाह ताला की लौ और मोहब्बत में जीने वाले ये बंदे हैं और दुनिया जहां के फख्र मुबाहात में जीने वाले बंदों को पता चलना चाहिए कि ये अल्लाह तबारक से मोहब्बत ही को जिंदगी का मकसद समझते हैं ऐसी जिंदगी जीना ये अल्लाह के सबसे अच्छे बंदे हैं और अगर ऐसे बंदे हैं तो ये भी दावत और तबलीग का एक बड़ा अहम बाब है बल्कि यूं कहिए अमलन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मौसर दावत यही दावत हुआ करती है कि एक बंदा अपनी दावत का अमली नमूना बनकर समाज के सामने खड़ा रहे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की यह हदीस ये, ये तालीम और आपको एक बड़ा सबक देती है सबसे पहले तो ये सिखाती है कि हम और आप अपने आप को वैसा बनाएं कि हमें देखकर लोग सिर्फ हमारी तारीफ़ ही ना करें हमारे ज़रिए अल्लाह तबारक वाली से जुड़ने का शौक़ उनके अंदर पैदा होना चाहिए अल्लाह ताला से करीब होने का जज्बा उनके अंदर पैदा होना चाहिए सबसे पहली तालीम इस हदीस से मुझको और आपको यह मिलती अगर हम ऐसा बन पाए तो हमने खियाार इबाद अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छे बंदों की जो एक फहरिस्त बन रही हमने अपने आप को उन खुश नसीबों में शामिल कर लिया उन खुशकिस्मत लोगों में अपने आप को हमने शामिल कर लिया और दूसरे नंबर पर समाज में जब कभी ऐसे कोई लोग नजर आए कि जिनको देख कर अल्लाह ताला याद आता हो तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारी तरफ से अदना सी भी उनकी तकलीफ उनको ना पहुंचने पाए इसलिए कि अल्लाह के ऐसे नेक बंदों को सताएंगे तो फिर अल्लाह ताला वैसे आदमी का दुश्मन हो जाता है मन आदा फकत आदन तो हो जो मेरे करीबी बंदे मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूं ये अल्लाह ताला का ऐलान अल्लाह के वो नेक बंदे हैं कि जिनको देखकर अल्लाह की याद ताजा होती है ऐसे लोगों को देखो कुछ खिदमत कर सको तो कर लो उनके हक हाँ में कुछ मुफीद अपने आप को बना सकते हो तो बना लो या कम अज कम अपना शर् से रोक कर उनसे फायदा उठाने की कोशिश करो लेकिन कभी यह ना हो कि हमारी तरफ से ऐसे नेक बंदों को तकलीफ पहुंचे जिंदगी में हम और आप इस हदीस से यह सबक सीखें कि खुद बने अगर खुद नहीं बन पा रहे हैं कोशिश करने में अभी लगे मंजिल तक नहीं पहुंच सकें तो जो बंदे ऐसे हैं उनसे मोहब्बत करें उनसे ताल्लुक जोड़ें उनकी सोहबत में रहा करें उनकी इज्जत करें उनका एहतराम करें उनकी जिंदगी से रोशनी लेकर प्यारे नबी वसल्लम की सुन्नत की इक्तदा करने की हम और आप कोशिश करें हाजिर गिरामी आज के दस में हमने आपके सामने खैर उन्नास के सिलसिले की एक और कड़ी जिक्र की और ये वो कौन लोग हैं ये वो लोग जिनको देखकर अल्लाह की याद आए जिनको देखकर अल्लाह की याद आए ये समाज के सबसे अच्छे लोग हैं ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने ये कहा है जिनको देखकर अल्लाह की याद आए वही अल्लाह तबार को के वली हैं अल्लाह ताला हम और आपको ऐसे अल्लाह के वली बनने की ऐसे नेक बंदे करीबी बंदे बनने की तोफ़ी क़ा फ़रमाए आमीन व आखिर रबीन वालक वरह वक्त